नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेपामर्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हेपामर्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और हेपामर्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हेपामर्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेपामर्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। हेपामर्स टैबलेट का उपयोग लिवर की बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। हेपामर्स टैबलेट लिवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्यप्रणाली को अच्छा बनाती है। हेपामर्स टैबलेट का उपयोग जॉन्डिस यानी पीलिया होने पर, फैटी लिवर होने पर, लिवर में सूजन होने पर, हेपेटाइटिस होने पर, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होने पर और लिवर की पुरानी बीमारियों जैसे सिरोसिस आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए हेपामर्स टैबलेट का उपयोग किया जाता है। हेपामर्स टैबलेट लिवर को मजबूत बनाने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है और भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा जो व्यक्ति रोजाना शराब का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और जिसकी वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। हेपामर्स टैबलेट शराब की वजह से लिवर में जमा हुए विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर को डैमेज होने से रोकती है और लिवर की कार्यप्रणाली को ठीक करने में मदद करती है। हेपामर्स टैबलेट एक ब्रांड नेम है। हेपामर्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट 150 mg और पैनक्रियाटिन 100 mg होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेपामर्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हेपामर्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में हेपामर्स टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट से गैस निकलना, दस्त, कब्ज और पेट में दर्द आदि साइड इफेक्ट्स हेपामर्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेपामर्स टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। हेपामर्स टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर हेपामर्स टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं, लेकिन हेपामर्स टैबलेट की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको हेपामर्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना हेपामर्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेपामर्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेपामर्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। किडनी फेलियर और किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर हेपामर्स टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना हेपामर्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए हेपामर्स टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हेपामर्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका हेपामर्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।